जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार और इस वीडियो में अभी हम लोग जय माता ग्लास और शेयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, शॉर्ट कट में इस कंपनी को जय माता ग्लास के नाम से जाना जाता है और ये जो जय माता ग्लास कंपनी है अभी हाल ही में चर्चा में आई है, क्योंकि जब से ये लिस्टेड हुए तब से इस कंपनी का शेयर प्राइस एक रेंज बाउंड में काफ़ी स्लो मोशन से घूम रहा था। लेकिन हुआ क्या कि जैसे साल 2023 आया, 2023 में इसमें एक अचानक से मोमेंट देखने को मिला, तगड़ा मोमेंट देखने को मिला, शेयर प्राइस ऊपर जाने लगा। और जब शेयर प्राइस ऊपर जाने लगा तो बहुत सारे जो रिटेल निवेशक होते हैं, जो पेनी स्टॉक के दीवाने होते हैं, हालांकि पेनी स्टॉक में कोई खराबी नहीं है, एक अच्छा पेनी स्टॉक चुनते हैं तो यकीनन वो आपकी किस्मत बदल सकता है, तो कुछ लोगों ने इसे भी वो वाली फीलिंग के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया जब इसका प्राइस लगता है बढ़ रहा था। और जब बढ़ते हुए प्राइस पर कोई व्यक्ति एंट्री लेता है तो वहाँ पर रिस्क होना लाजिम होता है। ये बात मैं अपने हर एक वीडियो में कहता हूँ, क्योंकि प्राइस काफ़ी बढ़ गया होता है। इसके बाद क्या हुआ कि जब गिरना शुरू हुआ तो इसमें से लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला और लोग अभी फंसे हुए हैं और रोना रो रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आगे क्या हो सकता है, आपको कैसे इसमें अपना रिस्क मिनिमाइज करना है और जो भी लॉसेज हो रहे हैं उसको कम से कम करना है, इसी सब मुद्दे पर इस वीडियो में एकदम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी देखते चलिए। देखिए, जय माता ग्लास का अभी आज के दिन का शेयर प्राइस देखेंगे तो 1.63 रुपये के आसपास इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है और देख सकते हैं कि 4.5% से ज़्यादा यानी कि तकरीबन 5% के आसपास इसमें लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। लोअर सर्किट क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये देखिए, ये जो इस कंपनी का प्राइस देख रहे हैं ना, ये एक रेंज सपाट एकदम इससे घूम रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसमें लोअर सर्किट लगा है और ये इसलिए भी क्योंकि इसमें एकदम सपाट है, क्योंकि जहाँ पर इसका प्राइस ओपन हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर इसका प्राइस आज ओपन हुआ था 1.63 रुपये पर, वहीं पर इसने अपना क्लोजिंग भी दिया। हाई भी है ये, लो भी है ये। बेसिकली ये ग्लास बनाने वाली कंपनी है, तरह तरह की ग्लास की मैनुफैक्चरिंग करती है और उसी को ये भारत भर में सप्लाई करती है। ज़्यादातर इसको ईस्टर्न और नॉर्दर्न जो क्षेत्र है भारत के, उसी एरिया में कंपनी अपना कामकाज करती हुई दिखेगी। ये तो कंपनी का काम हो गया, फंडामेंटल पर बाद में आएंगे, पहले आपको टेक्निकल के माध्यम से बताते हैं कि इस कंपनी में चल क्या रहा है। देखिए, अभी मैंने 1 साल का चार्ट ओपन किया हुआ है, अभी मैं यहाँ पर 5 साल का चार्ट ओपन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से बातें समझ पाएंगे। देखिए, 2018 से देखेंगे तो ये कंपनी लगातार एक ही रेंज में आपको चलते हुए दिखेगी। यहाँ पर जाकर इसने यहाँ से मतलब शेयर प्राइस उठना शुरू हुआ। अब ये एरिया कौन सा है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, 3 साल के टाइम फ्रेम में जो आप देखेंगे तो आपको यहाँ समझ में आएगा कि ये जो एरिया है जहाँ से इसका प्राइस उठना शुरू हुआ है, तो देखेंगे ये तकरीबन दिसंबर 2022 के आसपास के एरिया, यानी कि यहाँ से प्राइस उठना इसका शुरू हुआ। अब देखिए, यहाँ से प्राइस उठ कर आया कहाँ तक, ये प्राइस आया है तकरीबन 4.5 रुपये के आसपास तक इस कंपनी का प्राइस आया है। आप देख सकते हैं एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा कि किस तरह से पहले जहाँ इस कंपनी का शेयर प्राइस 0 के आसपास तकरीबन, मान लीजिए पैसा कुछ पैसों में चला था 5 पैसा के आसपास, और 5 पैसा से उठकर प्राइस सीधे 5 रुपये तक आ जाए, तो 5 रुपये तक जब 50 पैसा 5 पैसा जब 5 रुपये तक गया रहा हो तो लोग सोचेंगे कि प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ा और बीच बीच में उन लोगों ने एंट्री लिया। लेकिन क्या हुआ कि जब इसमें प्राइस गिरना शुरू हुआ तो लोअर, जैसे मैंने शुरू में बताया कि लोअर सर्किट लगा है, तो लोअर सर्किट जब लगा है तो इसका प्राइस, लोअर सर्किट जब लगता है तो उसमें आप शेयर बेच नहीं सकते और शेयर का प्राइस धड़ाम से नीचे की तरफ गिरते रहे। देख सकते एकदम लगातार एक फ्लो में इसका प्राइस नीचे आया और अभी भी नीचे आ ही रहा है। 1.5 रुपये के आसपास तक इसका प्राइस आ गया है और नीचे आ सकता है 5 पैसा के आसपास तक, इस लेवल के आसपास जो ये वाला इसका एरिया है यहाँ तक इसका प्राइस आ सकता है। तो यदि आपके पास इस कंपनी के शेयर है तो आप इसको सेल करते रहिए, कहीं ना कहीं यदि मौका मिल जाए तो आपका शेयर सेल हो भी जाएगा और आप यदि थोड़ा बहुत लॉस भी हो रहा होगा तो लॉस को आप झेल जाएंगे, लेकिन 50 पैसा से भी नीचे आ गया तब तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। देखिए, फंडामेंटल की यदि बात करें तो इस कंपनी के फंडामेंटल में कुछ खास है नहीं। मार्केट के अब तकरीबन 16-17 करोड़ के आसपास से इस कंपनी का आप देख सकते हैं। बुक वैल्यू काफ़ी कम है, बुक वैल्यू 1 रुपये से अधिक होना चाहिए, हालांकि शेयर प्राइस बुक वैल्यू से ऊपर है। तो अभी जैसे अभी भले ऊपर है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि शेयर प्राइस अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और देखेंगे तो कंपनी का जो आर ओ ई और आर ओ सी, ये दोनों निगेटिव में है, यानी कि ये किसी भी तरह से ठीक नहीं। स्टॉक का पी 3 डिजिट के ऊपर है, 326 से भी काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा है। स्टॉक का पी आपको पता है 20 से कम होना चाहिए। तो फंडामेंटल में कुछ खास बताने के लिए है नहीं। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट में आप पाएंगे कि अचानक से इस कंपनी का इसमें सेल्स बढ़ने लगा। पहले जहाँ इस कंपनी के सेल्स कुछ नहीं हो रहे थे, देख सकते हैं 0-0-0 और धीरे धीरे बढ़ने लगा बढ़ने लगा। हालांकि सेल्स अभी कुछ खास नहीं बढ़ रहा है, फंडामेंटल काफ़ी इस कंपनी का आप देख रहे हैं कि वीक है। इसलिए यदि आपके पास इसमें इस स्टॉक है तो आप जल्दी से इससे बाहर निकल जाइए और नया इन्वेस्टमेंट के बारे में अभी इसमें नहीं सोचना है, क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा रिस्की है। उम्मीद करता हूँ जय माता दी ग्लास के बारे में जो बातें मैंने बताई आपको आसानी से समझ में आया होगा। मन में कोई कन्फ्यूजन है, सवाल है इस स्टॉक से रिलेटेड तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछिए। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।